बढ़िया नी ललबा गुरु बढ़िया नी ललबा आ सबके हारा लन बे पतिया गुरु बढ़िया नी ललबा सबके प्यार लंगे पतिया गुरु बढ़िया नी ललबा बढ़िया नी ललबा गुरु बढ़िया नी ललबा बढ़िया हे बढ़िया नी ललबा गुरु बढ़िया नी ललबा सब त्यौहारा लन बे पतिया गुरु बढ़िया नी ललबा सब त्यौहारा कि बाबा के चक्कर में जिंदगी भइल मरतबा जी गौर करे वाला बात है कि बाबा के चक्कर में जिंदगी भइल मरतबा जी आय काल देखे होबे गांव मोहल्ला में जे छे से दाढ़ी बढ़ाए के बाबा एगो छे से झोला बगल में लटकने रहा आ 10 बजे के बाद वो गांव में प्रवेश करे छे जब मर्द मानुष सब काम पर निकल गेल ना तो सोचलक था अब तो कोई जेंस उन्स होते नहीं टोला मोहल्ला में तब वो गेल कुंडी खटखटेलक हाँ जब निकलल हमरे अर्धांगनी किनको अर्धांगनी जब निकलल तब कहलक बाबा प्रणाम प्रणाम अरे बहुत संकट है आपके पति के ऊपर आपके पुत्र के ऊपर आपका जाल माल बहुत खतरा में है ऐसा कीजिए मेरे पास एक पत्थर है अंगूठी उसका बनवा लीजिए नहीं तो आपके पुत्र और पति के ऊपर बड़ा संकट आने वाला है बेचारी औरत के जायत दिमाग को छोट सोचलो कीजिए सही है मगर नहीं लेबे ने तो कहे हमारा बेटा या पति कुछ भय गए थे 2-4-500 के चक्कर में हमें बर्बाद भय जाए उस बाबा की मैं बात कर रहा हूँ जो गाँव मोहल्ला टोला में जा करके ठगने का काम कर रहा है ठग रहे हैं और बाद में जब पता चलता है तब कलक हमरा ठेक ले लो कुछ वैसे भले ये उस बाबा की मैं बात कर रहा हूँ बाबा के चक्कर में जिंदगी भइल मुर्तबा जी लेकिन गुरु के दया हमरो मिलल बाया था जी बाबा के चक्कर में जिंदगी भइल मुर्तबा जी शिव गुरु के दया हमरो मिलल बाया था जी बढ़िया मिलल बा गुरु बढ़िया मिलल बा बढ़िया मिलल बा गुरु बढ़िया मिलल बा सब के हारा लंबे पतिया गुरु बढ़िया नी ललबा सब के हारा लंबे पतिया गुरु बढ़िया नी ललबा
अहाँ यार देखे हो बे कि जिनकर बेटा या बेटी अगर बेगूसराय में पढ़े होते, अगर वो कह देते कि मम्मी की बतइयो से मैं ठंडा बट लगे छे से चद्दर के जरूरत रहे, अगर अहाँ के अपना पास पैसा नहीं रहत तो दोसरो कम से ननोद हो चाहे गोतनी हो टोला पड़ोस में पैंचा मांगे बेटा लगा दे छियो पेटीएम में आ ओढ़ना किन लियो सबसे पहले। हाँ, उसी प्रकार हमारे गुरु हम लोगों के लिए, वो हमारे माता पिता ही हैं, हम उनके सारे संतान हैं, हमारे सारे सुख सुविधा वो प्रदान करते हैं जो हमें जरूरत है। एक गुरु भाई एलखिन कलखनी की जो हमें 5 साल से चर्चा में जाए छे, जे चाहे छे वो होबे न करे छे। कहलिए कि बेटा के बुखार लगल रहतो आ बेटा वही मगर केला मांगतो खाए ले दही मांगतो खाए ले देबो नहीं ना, अते ओकरा खराबी नहीं करते। कहलिए वह बात गुरुदेव में छे, गुरुदेव जाने छथिन कि जे चीज मांग रहले हन वो एकरा नुकसान करते। अगर आप मोटरसाइकिल मांग रहे हैं, गुरुदेव वहां से उनको पास तेरे नेत्र है, वो सब देखते हैं और देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल देवे न तो अगर बेटा कहीं चलेते उलेते कुछ परेशानी बैठ जेते तो एकरा लेने के देनी पड़ जेते, तो आप जो चाहिएगा आपके कहने के हिसाब से सारे चीज अगर गुरुदेव आपको देने लगे तो फिर उनका उस जगह पर रहना सोचना विचारना फिर तो मतलब क्या रह जाएगा। वो जो भी देते हैं आपको अपने हिसाब से देते हैं। सबके सुख सुधा गुरु देलखिन पुराय जी, सबके सुख श्रद्धा गुरु देलखिन पुराय जी, शिव के जैसन कोनो जग में गुरु नहीं भाई जी, शिव के जैसन कोनो जग में गुरु नहीं माए जी। आपको बतला रहे हैं शिव के जैसा गुरु क्यों नहीं कोई है, ये बतला रहा हूँ। इनका एक नाम भोला बाबा भी है, भोला भला समाज में सुने होंगे, ये तो भोला भला जे है जे कहे छे वो है सुन ले। इसी चक्कर में इन्होंने भस्मासुर को वरदान दे दिया था। ये नहीं देखे जो ये मांग रहा है कि जिसके सर पे हाथ जंगे आ उजल करके भस्म हो जाएगा, कहीं बेहुदा वरदान हमने दे दिया आ हमरे सर पर कहीं दे देगा, ये नहीं सोचे थे। इन्होंने कहा तथा यस्तु ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा जिसके सर पे हाथ रखूं जल करके वो आदमी भस्म हो जाए देने, उन्होंने कहा तथा ऐसा ही होगा। अब वो इनके ही पीछे पड़ गया, माथा पर हाथ रखने इनको जलाकर भस्म कर देंगे। नियत में खोट था, लेकिन जिसके नियत में खोट होता है वह संसार में आज हो दो दिन के बाद हो उसका वृद्धि तो होगा पत्ती की आग की तरह, लेकिन आधा घंटा बाद जेबे न पत्ती के आग में बीरियो धरबे ले वे में लुट्टी नहीं मिले। और चर्चा और सत्संग करे वाला आदमी के विकास हो छे गोइठाक आग नहाय ते धीरे धीरे सुन गोल। आ दुइयो दिन बाद अगर ऊपर गोर अहाँ दहा दिलिये तो झरे के जेबे। इसलिए सत्य के पथ पर चलिए, गुरु कार्य को आगे बढ़ाइए, पाप के तरफ मुड़ करके पत्ती की तरह विकास में नहीं रहिए, नहीं तो जिस दिन बुताना शुरू हो जाएगा उस दिन आपका पूरे खानदान का सर्वनाश हो जाएगा। जिस प्रकार अभी भोलेनाथ ने लंका बनवाया पार्वती जी के कहने पर और रावण ने उसे दान में मांग लिया, उनके पिताजी विश्व सर्वा रावण के ही कहने पर ऐसा हुआ, लेकिन पार्वती जी ने शराफ दे दिया कि कोई अगर आता है घरवास में और उसका आप घरे मांग लो, ये तो गलत किया उसने ना, तो उन्होंने शराब दे दिया कि जाओ तुम्हारा वंशजे पूरा खत्म हो जाएगा, हो ही गया। इसलिए पाप की तरफ मत मुड़िए, हमारा कहना है ए सबके सुख श्रद्धा गुरु देलखिन पुराय जी, शिव के जैसन कोनो जग में गुरु नहीं माए जी। सब
बड़ा बढ़िया मिलल बा, गुरु बढ़िया मिलल बा, बढ़िया मिलल बा, गुरु बहना बढ़िया मिलल बा, गुरु भैया बढ़िया मिलल बा, गुरु हमरा बढ़िया मिलल बा। सबके हारा लल बिपतिया, गुरु बढ़िया मिलल बा, सबके हारा लल बिपतिया, गुरु बढ़िया मिलल बा, सबके हारा लल बिपतिया, गुरु बढ़िया मिलल बा। बाजार से कोनो गोटा कोई चीज खरीद के अगर ले जाइयो, कोई कहल के हे फलने से एगो कोनो चीज मतलब खरीद के लेने हो, अगर ओकरा पसंद आ गेले त नै कलक बड़ा बढ़िया आनलके रे, बड़ा पसंद करे लकरा आबे छे, देखियो हम की कहे छिए। अरे का कहीं बहना हमें भैया के पसंद के, हरिंदर जी गुरु चुने हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने गुरु चुना है, जो कि सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और उनको उन्होंने चुन करके हम लोगों के बीच चर्चा के माध्यम से, दया के माध्यम से जो भी है उनका गुणगान, उनके कहने के मार्गदर्शन के हिसाब से जो चल रहा है, ये बहुत उनके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मेरा कहना है का कहीं भैया हम साहब के पसीन के, हे गुरु दलखिन हमारा के एक नंबर चुन के, का कहीं भैया हम साहब के पसीन के, गुरु दलखिन हमारा के एक नंबर चुन के, गुरु दलखिन हमारा के एक नंबर चुन के, बढ़िया मिलल बा, गुरु बढ़िया मिलल बा, बढ़िया मिलल बा, गुरु बढ़िया मिलल बा, सबको कही बढ़िया मिलल बा, गुरु बढ़िया मिलल बा, बढ़िया मिलल बा, गुरु बढ़िया मिलल बा, सबके हारा लन बिपतिया, 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 गुरु बढ़िया मिलल बा, सबके हारा बिपतिया, गुरु बढ़िया मिलल बा, सबके हारा लन बिपतिया, गुरु बढ़िया मिलल बा, सबके हारा लन बिपतिया, गुरु बढ़िया मिलल बा, बिपतिया गुरु बढ़िया मिलल बा। ये गाना हमारा शंभू सरगम बकरी यूट्यूब पर कई सारे